जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं आज शुक्रवार के दिन माँ अन्नपूर्णा की कथा। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें, सुने और भोग लगाएं। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देह च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भूनंत्रियम। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, लेकिन केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ अधम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठी और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विशेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता, इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। व्रत करने से की गई पूजा क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि 9 बने तो 1 दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी
ब्रिज को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें, व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगे, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करे। वह कहने लगा, बहनों, मेरी भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुअर सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बाधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गए। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गए। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा, जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं। उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे, कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बधे पति ने सुलक्षणा से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी, उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी।
परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है, तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा, इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरे।